हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंकलिंग के ऊपर। हम देखने की कोशिश करेंगे क्या विंकलिंग टू द मून जाते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, और इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या होने वाली है 2023 में या उसके अपकमिंग ईयर्स में। तो वो सारी की सारी बातें हम करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, अपने वीडियो की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके वो जो लाल वाला बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि विंकलिंग कॉइन हो या कोई भी कॉइन उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी कंटेंट, कुछ भी निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करेंगे विंकलिंग की। तो भाई विंकलिंग चल रहा है 254 नंबर पे रैंक करता हुआ, और ये बहुत सारे जीरोस के बाद 0.00793 की करंट प्राइस से, और ये पिछले 24 घंटों में हमें 3.13% का गेन दिला रहा है, और BTC के हिसाब से ये तकरीबन 1.29% का हमें गेन दिला रहा है, और इथेरियम के हिसाब से 1.01% ये हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 24 घंटों में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, तो आप देख सकते हैं कि भाई इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 49.59% अभी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन कि काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो हमारी मार्केट है उसकी, अगर मैं आपके साथ बात करता चलूँ, तो आप देख सकते हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो पिछले 24 घंटों में 1.82% का हमें गेन दिला रहा है, और 17,000 से बिलो अबव जा रहा है, और वहीं पे हमने देखा कि इथेरियम भी 1300 से अबव जा चुका है। BNB $279 पे रैंक कर रहा है, और ये तकरीबन 6.90% का गेन दिला रहा है। तो ये ओवरऑल हमारी मार्केट है। अगर यहाँ पे मैं आपको फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाता चलूँ, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मार्केट जो है वो हमारी किन हालात के साथ गुजर रही है, क्या कंडीशन है मार्केट की। तो भाई अकॉर्डिंग टू द फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो पिछले 24 घंटों में जो मार्केट के हालात गुजरे हैं वो 25 स्कोर के साथ एक एक्सट्रीम फेयर कंडीशन पे हमें देखने को मिला है, और जो कल भी 25 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर में थे, लेकिन लास्ट वीक 27 स्कोर के साथ फेयर में थे, लास्ट मंथ 27 स्कोर के साथ भी फेयर में थे। तो ये ओवरऑल मार्केट के हालात है। अब अगर हम मूव करें अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ, तो भाई यहाँ पे विंकलिंग प्राइस प्रेडिक्शन फॉर द 2023 Winkling has established a fast, reliable network and works with the user experience of the product. These features can help Winkling coin to gain much higher than 0.00705 if the drive function crypto continues to 2023. जी बिल्कुल, अगर bullish हमें देखने को मिलता है तो इनका कहना है कि 3 zeros के बाद 7 तक हमें price देखने को मिल सकती है 2023 में। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि भाई क्रिप्टो मार्केट है उसमें हम कुछ भी अपने हिसाब से predict नहीं कर सकते, और यहाँ पे इनका कहना है कि भाई 2026 तक जो इसकी जो प्राइस है वो आपको जा सकती है 0.0012 तक इसकी डॉलर तक इसकी प्राइस जा सकती है, अकॉर्डिंग टू CryptoNews.com की तरफ से। ये मैं उनके यहाँ जो प्राइस प्रेडिक्शन शो हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो अब आप अपनी रिसर्च करके फिर किसी भी चीज़ को सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूँ विंकलिंग प्राइस प्रेडिक्शन 23 to 30, 32, जी बिल्कुल, यहाँ पे 32 तक उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, एक और आर्टिकल मुझे देखने को मिला। यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सारी अपनी पॉइंट्स, अपना व्यू शेयर किया हुआ है, लेकिन इनके यहाँ भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, चार्ट दिखाता चलूँ, तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो भाई 2023 तक इनका कहना है कि 0.001 तक इसकी जो प्राइस है वो ऑफिशियली जा सकती है 2023। अगर मैं आपको दिखाना चलूँ 2030 तक या 32 तक इसकी प्राइस दिखाना चलूँ, तो अकॉर्डिंग टू द क्रिप्टो लैटिन पॉलिटिन की तरफ से अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो 0.003 यानी 2 जीरोस के बाद 3 तक इसकी जो है वो जा सकती है प्राइस 2032 तक। अगर उसके बाद इन्होंने कॉइनडेक्स की तरफ से भी ये चीज़ मेंशन की हुई है, इनके यहाँ भी कहा सकता है कि भाई प्राइस जो है वो इतनी हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि भाई विंकलिंग की प्राइस कहाँ तक जाने वाली है, और कब ये डॉलर तक जाने वाला है या उससे भी बिलो या उससे भी अबव जा सकता है। आपने थाट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।